एक घने जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उस जंगल की एक गुफा में एक बूढ़ी गाय रहती थी। वह गाय दूर दूर तक घास चरने के लिए नहीं जा पाती थी, इसीलिए वह गुफा के आसपास रूखी सूखी घास खा लेती। उसी जंगल में एक घोड़ा रहता था। घोड़ा रोज उस बूढ़ी गाय के लिए खाना ले आता। वह खाने को गाय की गुफा के बाहर रख देता और उसे आवाज लगाकर वहां से चला जाता। बूढ़ी गाय ने इस घोड़े की एक बार जान बचाई थी, यही कारण था कि वह उसके लिए रोज खाना लेकर आता। गाय बाहर आती और उस खाने को खाकर अपना पेट भरती। एक दिन की बात है, घोड़ा गाय के लिए खाना लेकर आया और उसे आवाज लगाई। उसके जाने के बाद गाय ने आराम से उस खाने को खाया। यह सब एक भेड़िया वहां पर देख रहा था। अगले दिन जब घोड़ा घास चर रहा था, तभी वह भेड़िया घोड़े के पास आया और उससे कहा, अरे घोड़े भाई, तुम रोज गाय के लिए खाना लाते हो, कृपया मेरे लिए भी रोज खाना ला दोगे क्या? भेड़िये की बात को सुनकर घोड़े को गुस्सा आया और उसने भेड़िये से कहा, बेवकूफ भेड़िये, वह गाय बूढ़ी है इसलिए मैं उसे खाना देता हूँ, यहाँ से चले जाओ। घोड़े की बात को सुनकर भेड़िया वहां से चला गया, लेकिन उसे घोड़े पर बहुत गुस्सा आया और उसने बदला लेने की सोची। इसी तरह एक दिन जब घोड़ा गाय के लिए खाना लाया और गाय को आवाज देकर वहां से चला गया, घोड़े के जाने के बाद भेड़िया वहां पर आया। उसने जल्दी से छुपके से उस खाने में जहर मिला दिया। वह जहर मिलाकर जल्दी से वहां से चला गया। बूढ़ी गाय जब बाहर आई और उसने खाने को खाया, तब वह थोड़ी देर के बाद मर गई। जंगल में घूमते हुए एक तोते ने बूढ़ी गाय को मरा हुआ देखा। उसने जल्दी से जंगल के पूरे जानवरों को यह खबर दी कि बूढ़ी गाय मर चुकी है। तोता घूमते हुए घोड़े को भी यह खबर सुनाता है कि बूढ़ी गाय मर गई है। घोड़ा भी बूढ़ी गाय की खबर सुनकर जल्दी जल्दी गुफा की तरफ भागता है। सभी जानवर यह निश्चित करते हैं कि गाय की मौत इस खाने को खाकर हुई है। कुछ जानवरों ने यह भी कहा कि यह खाना घोड़ा लेकर आता था। तोता महाराजा शेर को भी यह खबर सुनाता है। महाराजा शेर तोते से कहता है कि सभी जानवरों को मेरे पास बुलाया जाए। तोता सभी जानवरों को महाराजा शेर के पास जाने के लिए कहता है। महाराजा शेर के पूछने पर सभी जानवर कहते हैं कि घोड़ा ही गाय के लिए रोज खाना लेकर आता था, इसी की वजह से वह गाय मर गई है। सभी जानवरों की बात को सुनकर महाराजा शेर घोड़े से कहते हैं, वह गाय बूढ़ी थी और तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हें मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। राजा शेर के इनाम को सुनकर भेड़िया तुरंत बोला, नहीं नहीं महाराज, गाय को तो मैंने मारा है, इनाम मुझे मिलना चाहिए। भेड़िये की बात को सुनकर राजा शेर ने कहा, बेवकूफ भेड़िये, मैं कोई इनाम नहीं दूंगा, मुझे पता था कि घोड़ा ऐसा नहीं करेगा, मैंने चोर को पकड़ने के लिए यह बात कही थी। और उसके बाद राजा शेर भेड़िये को जंगल से बाहर निकाल देते है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों के लिए कुआं खोदेंगे तो सबसे पहले हम ही उसमें गिरेंगे, इसीलिए हमें दूसरों का बुरा कभी नहीं सोचना चाहिए।